पर देश में मौसम बदल गया है। कड़ाके की ठंड के बाद आज सुबह से ही राजधानी शिमला में बारिश शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 से 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 व 6 जनवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में 4 जनवरी से मौसम करवट लेगा, जिसके बाद 5 व 6 जनवरी को शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति व अन्य जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी व बारिश हो सकती है। इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बाद भी पश्चिमी विक्षोभ 9 जनवरी तक सक्रिय रहेगा, जिससे मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बारिश और बर्फबारी हुई तो किसानों और बागवानों को राहत मिलेगी। देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में जैसे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, इन इलाकों में बर्फबारी हो रही है, हल्की बर्फबारी हो रही है। और शिमला में भी आप देख रहे हैं कि अभी बारिश हो रही है, और कुफरी में हल्का स्नोफॉल भी रिपोर्ट किया गया है। और आने वाले जो 48 घंटे हैं, इसमें मौसम और ख़राब होगा, प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी, और संभावना ये भी है कि आज और कल में जो है बर्फबारी जो है शिमला शहर में भी हाई प्रोबेबिलिटी है। और इसके बाद फिर से, क्योंकि दूसरा पश्चिम विक्षोभ भी 6-7 तारीख के आसपास आ रहा है, तो उसके चलते भी 6, 7, 8 और 9 तारीख तक फिर से मौसम खराब होगा। उसकी इंटेंसिटी इस ये जो पश्चिम विक्षोभ से ज़्यादा होगी, और प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल जो है रहेगा। तो कुल मिला के अगले 4 से 5 दिन मौसम खराब रहेगा। बर्फबारी मिड और हाई हिल्स पे होगी, नीचे जो प्लेन्स इलाके हैं वहाँ बारिश होगी। और इससे इसके चलते जो है, क्योंकि टेम्परेचर भी कम आएंगे, डे टेम्परेचर कम आते हैं तो उससे डिस्कम्फर्ट लेवल और ठंड भी बढ़ता है, और उसके बाद फिर जो है कोल्ड वेव कंडीशन जैसे है वो प्रिवेल होने की संभावना भी है। अच्छा, तापमान जैसे किस तरह से चल रहे हैं, क्या तापमान में कोई बदलाव देख रहे हैं सामान्य से? हाँ, जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर है अभी कम आ गए, आज 2 से 3 डिग्री, 3 डिग्री के आसपास अभी तक कम आ चुके हैं, और शाम तक और कम होंगे। और जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस में है, केलोंग सबसे लोएस्ट -4.2 और लाहौल स्पीति में, बाकी लोअर एरियाज में जैसे ऊना में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है पश्चिम विक्षोभ, दो पश्चिम विक्षोभ है, तो ये जो है अगले 3 से 4 दिन जो है मौसम इसी तरह का बीच बीच में बना रहेगा। बर्फबारी होगी, और कुछ जो जिले हैं मिड और हाई हिल्स वहाँ भारी बर्फबारी होने की संभावना है। दो अलर्ट हमने अलर्ट जो है रखे हैं अगले 48 घंटे में, खासकर जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, शिमला, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, क्योंकि इन इलाकों में आमतौर पर क्या होता है कि हैवी स्नोफॉल होने की वजह से कई वो दिक्कतें आ जाती हैं, तो प्रिकॉशन लेने के लिए थोड़ा सा एहतियात बरतने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि जो है लैंडस्लाइड की एक्टिविटी भी रहती है, रास्ते रुक जाते हैं, और असेंशियल सर्विसेज भी जो है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए हमने अगले 48 आवर्स जो है अलर्ट किया रखा है। बिल्कुल, क्योंकि अगले 4 से 5 दिन जैसे मैंने पहले कहा कि मौसम खराब रहेगा, बर्फबारी होगी और हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एहतियात बरता